सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ऑनलाइन स्टडी बाय हरिनारायण शर्मा। सो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट टू लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट वन करा चुके हैं जिसमें कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ कि भाई इसका आंसर ये क्यों आ रहा है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। सो इस हमारी जनरल स्टडीज की सीरीज में ये किसके लिए लाभदायक होगी हम आपको अभी दिखा देते हैं। ये फॉर यूपीएससी यूपी पीएससी एमपीपीएससी यानी सभी टाइप के यूपीएससी मतलब यूपीएससी और सभी टाइप के स्टेट एग्जाम के लिए बीपीएससी और एसएससी एग्जाम के लिए भी काफी लाभदायक होगी। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और एमसीक्यू और थ्योरी दोनों साथ कराई जाएगी। थ्योरी होगी तुम्हारी जो यूपीएससी एग्जाम होता है उसमें मेंस होता है प्री होता है तो मेंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो मेंस के लिए होगी और जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीलिम्स के लिए होगी। लेकिन क्वेश्चंस का जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो आपके कॉन्सेप्ट को ब्राइट करेंगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को और इसके लिए तैयार हो जाइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं भाई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन फॉर व्हाट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन फॉर किसके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है इसकी क्या विशेषताएं कुछ टाइप के हम कुछ समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे घर है सिस्टमेटिक तरीके से गली है बैलगाड़ी जा रही है सब अपना काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिख रखा है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन अचीव्ड मेनी नोटेबल एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी मिली है जिसमें हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिली है जिससे हमें पता चलता है कि भाई उस टाइम के लोग उस समय के लोग बहुत टाइम पहले भी इतनी सोच रखते थे इतनी समझ रखते थे इतने इंटेलिजेंट थे। उसके अलावा यहाँ पे एक्यूरेसी ग्रेट एक्यूरेसी सिस्टम भी मिला है एंड टूल्स फॉर मेजरिंग लेंथ एंड मास यानी इसके मतलब है कि हमें लेंथ और मास कैसे मापते हैं इसकी भी जानकारी मिली है। इससे पता चलता है वहां के लोग उस समय के लोग मैथमेटिक्स भी जानते थे। उसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एंड द रिसेंट पार्शियली एक्सकेवेटेड राखीगढ़ी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपसे पूछे भाई सबसे बड़ी साइट कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो आप करोगे राखीगढ़ी। डिमोन्स्ट्रेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन अर्बन सैनिटेशन सिस्टम। तो आजकल का हमारा जो सैनिटेशन की व्यवस्था होती है वो अभी हमने स्टार्ट किया लेकिन इससे लगभग ये मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया था ये 2500 साल यानी 4-5 हजार साल पुरानी है। ये तो 4-5 हजार साल पहले भी लोग सैनिटेशन और अपना स्वास्थ्य या हेल्थ का भी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंस देते थे ये आप समझ चुके होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें जो ये साइट है मोहनजोदाड़ो राखीगढ़ी हड़प्पा इन साइट से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग भी इतना ध्यान रखते थे। तो उस समय के लोग और अब के लोग अब हम सोच सकते हैं कि भाई उस समय भी कितनी तरक्की रही होगी उसके बाद अचानक से कोई ऐसी बाढ़ आई या फिर सूखा कुछ भी कह सकते हैं जिसके कारण ये पूरी जो सिस्टम है पूरा नष्ट हो गया डिस्ट्रॉय हो गया। सो अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता तो क्या पता हम अभी जो है डेवलप्ड इससे भी ज्यादा डेवलप्ड हो सकते थे। तो ये आप खुद भी सोच सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे इमेजेस मैंने साइट से लेके यहाँ पे डाली है तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन इमेजेस में एक है यहाँ पे एक सेकंड जस्ट वेट फॉर वन मिनट आई कैन यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्रीस्ट दिख रहा है एक प्रीस्ट की मूर्ति मिली है। तो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि भाई निम्न में से कौन सी चीज नहीं मिली है तो उनमें से तीन तो अलग होंगी एक प्रीस्ट दे देगा तो प्रीस्ट तो मिला है तो हम ऑप्शन क्या लगा देंगे प्रीस्ट क्योंकि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रीस्ट की मूर्ति मिली है। ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है डांसिंग गर्ल का ये वन ऑफ द इंपोर्टेंट ये पूछा गया है। उसके अलावा ये देखो ग्रेट बाथ भी मिला है नहाने के स्नानागार। इसके अलावा यहाँ पे देखो पोट्री भी मिली है और ऐसे ऐसे गढ़ टाइप का एक ऊपर देखो ये ऊपर अरेंजमेंट है। इसके अलावा ये नीचे का अरेंजमेंट है तो सिटाडेल भी मिला है। इसको सिटाडेल कहते हैं सिटाडेल मींस के ऊपर कोई ऊपर रहने वाले लोग उसके अलावा नीचे रहने वाले लोग ऊपर वो रहते थे जो बिजनेसमैन थे बड़े बिजनेसमैन थे नीचे थोड़े कम बिजनेसमैन वाले थे जो नॉर्मल लोग थे। उसके अलावा यहाँ पे स्कल्पचर काफी सारी ये घर की साइड ऐसी मिली है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये अलग अलग तरीके जानवरों को भी मिले हैं ये बैल टाइप का मिला है ये एक सिंह वाला हिरन टाइप का मिला है आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये दो जानवर डांस कर रहे हैं। तो ये कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं जिन्हें हम देख के बता सकते हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की और क्या क्या खूबसूरतियां होंगी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या होगा। सो हम क्योंकि हम कोई चीज एक्सकेवेट करते कोई चीज खोजते हैं तो मेन उसका उसमें हमें आर्किटेक्चर
के बारे में पता चलता भाई, कोई उसकी डिजाइन थी, कैसे लोग रहते थे, कैसा आर्किटेक्चर। देखो जितना जैसा बंदा सोचता है वैसा ही वो लगभग आर्किटेक्चर में बनाने आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश करेगा कि उस समय की सोसाइटी थी उसी के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मैं कोई घर बनाऊंगा तो मैं अपने अपने हिसाब से बनाऊंगा ना, अपनी सोच के हिसाब से भाई ऐसा ऐसा बनना चाहिए। वैसे उस समय के लोग कैसा सोचते थे, तो आर्किटेक्चर से हमें उस समय की समाज के बारे में काफी पता चलता है। तो हम पढ़ लेते हैं भाई कि आर्किटेक्चर उस समय का कैसा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस सिटीज आर बिल्ड ऑन न्यूमेरस माउंट्स और एलिवेटेड ग्राउंड्स, यानी माउंट्स पे बनी थी, मिट्टी के टीले टाइप के भी काफी सारे थे। एडवांस्ड आर्किटेक्चर था, या इम्प्रेसिव डॉकयार्ड यानी जहाजों के बनाने का स्थान, ग्रेनरीज यहाँ पे अनाज इकट्ठा कर सकते हैं, किया जाता है। तो देख लो लगभग 4,500-5,000 साल पहले भी लोग इम्पोर्टेंट समझते थे अनाज को, अनाज का इम्पोर्टेंस समझते थे। उसके अलावा कोई जैसे आपदा आ गई उसमें अनाज का यूज हो सकता है, ये भी पहले उनको सोचता कि भाई हमें जरूरत पड़ गई कभी ऐसा हो गया, तो इसलिए उन्होंने ग्रेनरी भी बनाई थी। तो इट इज अ वेरी वेरी, इसका मतलब कहूं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इसको इलेबोरेटेड साइट। सो वॉल्ड सिटी है, यानी चारों तरफ वॉल बनी रहती थी, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड वाटर, यानी जो बाढ़ का पानी रहता है उससे प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ वॉल भी बना दी थी। वेल प्लैंड स्ट्रीट थे, बिल्कुल वेल प्लैंड स्ट्रीट, दैट मीन्स कि वो 90 डिग्री एंगल पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये एक स्ट्रीट जा रही है, एक गली जा रही है, फिर उधर से 90 डिग्री, परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर दूसरी होगी, फिर 90 डिग्री, मतलब सब 90 डिग्री वेल प्लान था, बिल्कुल मैथमेटिक्स का उन्होंने यूज किया था। उसके अलावा प्रॉपर सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम था। उसके अलावा बैक्ड ब्रेक हाउसेस थे, यानी जो ईंटों होती है ना, ईंटों के घर भी थे। उसके अलावा वेल बिल्ट बाथरूम्स भी थे, बढ़िया तरीके से बनाए हुए, हमने पुराने वाले लेक्चर में बाथरूम के बारे में पढ़ रखा है। वेल्स थ्रू आउट दिस सिटी भी था, रिमार्केबल सिमिलैरिटी ऑफ आर्किटेक्चर ऑल ओवर दिस सिविलाइजेशन, यानी पूरी सिविलाइजेशन में एक जैसी आर्किटेक्चर मिला है जो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि उस समय जब कोई साधन नहीं होता था उस समय एक जैसा सिस्टम मिला, एक जैसी सिमिलैरिटी मिली। इसका मतलब है कि लोग एक दूसरी जगह जाते थे, और आने जाने में उस समय तो था नहीं, तो काफी टाइम भी लगता था। इसका मतलब काफी मिले जुले लोग थे, काफी मिलके रहते थे, ऐसा नहीं आज की जैसे कि थोड़ा सा हुआ लड़ाई झगड़े के लिए उतार हो गए। नो लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर, बड़ा कोई नहीं मिला, बस छोटे छोटे मिले हैं मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। सब हम कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन दी सील्स फाउंड एट मोहनजोदाड़ो एंड विच सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि हमें जो सील मिली है वो मोहनजोदाड़ो में भी किस सभ्यता से, कुछ सभ्यता से मैच खाती है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, दैट इज सुमेरियन सभ्यता। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि बेसिकली क्या था कि जो सील मिली है हमारे पास वो क्या है, उस सील में मिला है हमारे पास हाफ ह्यूमन। यहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट गाइस वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हाफ ह्यूमन मिला है, हाफ बफेलो मॉन्स्टर अटैकिंग अ टाइगर, दैट मींस आधा आदमी और आधा बफेलो, आधा आदमी है जिसका शरीर और आधा बफेलो का है, वो टाइगर को अटैक कर रहा है, टाइगर के ऊपर अटैक कर रहा है। दिस में बी अ रेफरेंस टू द सुमेरियन मिथ, और ये जो स्ट्रक्चर मिली है जो ये बता रहा है कि भाई आधा आदमी आधा जानवर है, बफेलो है, वो किसी जानवर के राक्षस के ऊपर अटैक कर रहा है, ये हमें क्या बताते हैं, ये बता रहे हैं हमारी सुमेरियन सभ्यता में एक मिथ चलती थी, जैसे कहानियां चलती थी, पौराणिक कथाएं, उसको मिथ कहते हैं। उस सुमेरियन सभ्यता में पौराणिक कथाओं में जो मिथ है उसमें भी ऐसा ही सेम टू सेम ऐसी ही कहानी चलती है, जिसमें मॉन्स्टर क्रिएटेड बाय अरुरु द सुमेरियन अर्थ एंड फर्टिलिटी गॉडेस टू फाइट गिलगमिश द हीरो ऑफ एन एंशियंट मेसोपोटामियन एपिक पोयम, दिस इज अ फर्दर सजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन हड़प्पन कल्चर। इसका मतलब है कि ये जो हमें मिला है, इसका मतलब मिला है सील हमारी सुमेरियन सभ्यता की, जैसी सील हमारे मोहनजोदाड़ो में मिली है, इसका मतलब क्या है कि भाई वहां से लोग आए होंगे या यहाँ से लोग गए होंगे तो लेकर आए होंगे, यदि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी बताता है। अगला है हमारा हड़प्पन, हड़प्पाज हैड कॉमर्शियल रिलेशन विद विच सिविलाइजेशन, यहाँ लिखा है चाइना, बर्मा, जावा, मेसोपोटामिया। तो जो सुमेरियन सभ्यता थी, हमने पढ़ा कि भाई सुमेरियन सभ्यता में इंटरनेशनल रिलेशन से थे, तो ये सुमेरियन सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया से संबंधित थी, क्योंकि मेसोपोटामिया बहुत बड़ी सभ्यता थी, इसमें चार सभ्यताएं इसके समकालीन चल रही थी। मेसोपोटामिया बेसिकली इराक, ईरान, उस जगह का एरिया, तो सुमेरियन थी, उसके अलावा ईरान की भी सभ्यता थी, तो ये सबको मिला के एक मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलती थी। तो ऑब्वियसली ईरान की सभ्यता और उसके अलावा जो सुमेरिया की सभ्यता, ये सब मिला लेते तो एक मेसोपोटामिया की मिलती थी। और इससे पहले हमने जस्ट पढ़ा कि जो सील मिली है वो मेसोपोटामिया, जो सील मिली है वो सुमेरियन सील मिली है, कौन सी सील मिली है, सुमेरिया
प्रदेश की सील मिली है। तो इससे मतलब है कि जो सुमेरिया वो मेसोपोटामिया से संबंधित है, तो हड़प्पा भी मेसोपोटामिया से संबंधित होगा। तो द ट्रेड रिलेशंस ड्यूरिंग द थर्ड मिलेनियम वाज अ डायरेक्ट ऑन शिप्स फ्रॉम मेलुहना डॉक इन मेसोपोटामिया पोर्ट, सम मेलुहना सेटल्ड इन समेत। अगर मैं प्रोनंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो उस पर मत जाइएगा, आप मेन कॉन्सेप्ट समझने का और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है पढ़ाते वक्त। एंड देयर इज अ सील बिलोंगिंग टू मेसोपोटामिया हुज जॉब इट वाज टू एक्ट एज एन इंटरप्रेटर ऑफ द मेलुहन लैंग्वेज। यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सील मिली है वो मेलुहन लैंग्वेज के। ऑन द अदर हैंड देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट पीपल फ्रॉम मेसोपोटामिया रीच्ड द इंडस। So it is clear that the Harappas conducted the trade between the two civilization Mesopotamia ships sailed the length of the Gulf as far as the western coast of Magan and so on. Ships from Magan and Dalman also docked in Mesopotamian ports. इसका मतलब है कि जो ये seals मिली है सुमेरिया seals मिली है हमारे जो मोहनजोदाड़ो में वो सुमेरियन सभ्यता की मिली है। सुमेरियन सभ्यता किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से। सो मैं संबंधित है मेसोपोटामिया से। उसके अलावा जो जहाज हैं, जो शिप हैं, जो जहाजों के बारे में भी काफी सारी स्ट्रक्चर डिजाइन मिली है हमारे स्कल्पचर्स में। सो वो उन जहाजों पे हमारे कौन सी लैंग्वेज लिखी रहती थी? वही लैंग्वेज लिखी रहती थी जो मेसोपोटामिया में चलती है। तो इससे हम कह सकते हैं दी ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हिंदुइज्म ऑफ टूडे इज प्रूव्ड बाई दी वर्शिप ऑफ। यानी इसका मतलब है कि जो उस समय पूजा करते थे लोग, जो प्रेयर करते थे किसकी, किसी चीज की या किसी की भी प्रेयर करते हैं, और इस समय भी लोग प्रेयर करते हैं, तो ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है जो इस समय हिंदू पूजा करते हैं उस समय के लोग भी पूजा करते थे। मेरा बेसिकली कहने का मतलब कि इस समय जो हिंदू पूजा करते हैं उस समय के लोग भी किसी चीज की पूजा करते थे, जिससे साबित होता है कि सिमिलैरिटी है हिंदुइज्म और इंडस वैली में। तो हमने देखा कि उस समय भगवान की तो कोई स्कल्पचर्स मिली नहीं है, सिर्फ पशुपति महादेव की जरूर मिली है। उसके अलावा कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, ना कास्ट सिस्टम था, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, और फेयरली एजिलेटेरियन सोसाइटी थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे है विष्णु लक्ष्मी ये भी नहीं हो सकता, शिव शक्ति भी नहीं हो सकते, और उसके अलावा पशुपति ऑप्शन ए चेक करता है, पशुपति ऑब्वियसली हो सकते हैं, लेकिन इंद्र और मदर गॉडेस इसकी तो मिली नहीं, इंद्र की तो हमें मूर्ति मिली नहीं, तो ये ए भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? बी, स्टोन ट्रीज एंड एनिमल्स। और बिकॉज उस समय जो भगवान का इतना था नहीं, तो उस समय लोग पता है जो अपना आसपास का था, अपने नेचर थी उसी को भगवान, उसी को प्रकृति अपनी थी उसी को सब पूछते थे कि भाई, क्योंकि यही उस समय के लोग इतना जानते नहीं थे, यही हमें अनाज देती थी, यही हमें शेल्टर प्रोवाइड कराती है प्रकृति, इसलिए प्रकृति की पूजा करते। प्रकृति में कौन आता है? स्टोन्स ट्रीज एंड एनिमल्स। उसके अलावा आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस एक्सकैवेटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हमारे पास जो काफी सारे एक्सकैवेट मिलते हैं, काफी सारी जो खुदाई के बाद चीजें मिलती है, उनमें कौन सी चीज है जो कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को दर्शाती है? सो मैंने अभी जस्ट बताया, पहला क्वेश्चन था उसमें सुमेरियन सभ्यता के साथ जो ट्रेड था वो किसका था? वो मोहनजोदाड़ो के साथ था सुमेरियन सभ्यता का। उन तो कैसे पता चलता है? सील्स के थ्रू पता चलता है। इसका मतलब सील्स के थ्रू हमारा जो आदान प्रदान, जो इकोनॉमिक कॉमर्शियल, हमारा जो कल्चर है वो फला फूला, कॉमर्शियल जो व्यापार है, कॉमर्शियल बिजनेस भी फला फूला। तो इसके हम कह सकते हैं भाई सील्स के थ्रू में पता चलता है कि कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ। देखो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन उसको उठा के सारी चीजें समझा दी, एक क्वेश्चन को लिया बस, उससे लगभग सारे काफी सारे क्वेश्चन एक जैसे रिलेट हो गए। सो द सील्स वर प्रेस्ड इनटू सॉफ्ट क्ले टू सील द माउथ्स ऑफ जार्स एंड एज सजेस्टेड बाय द इम्प्रिंट ऑफ फैब्रिक। यहाँ पे लिख रखा है सम सील्स, आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने दे रखा है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप वॉज फाउंड इन विच सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइप फाउंड हुआ? तो हमने पढ़ा सुमेरियन सभ्यता तो होगी होगी ऑब्वियसली, और इजिप्शियन सभ्यता भी, क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें मैंने बताया था चार सभ्यताएं, और मेसोपोटामिया का इंडस वैली से रिलेशन है क्योंकि वो ट्रेड करते थे। इसीलिए अब कोई चीज आपस में ट्रेड कर रही है, आपस में बातचीत हो रही है, तो कुछ तो उसकी गुण या खामियां एक दूसरे में आएंगी, एक दूसरे में भाई आदान प्रदान तो करेंगे अच्छी बुराइयों का। तो वैसे ही अच्छी बुराइयों का आदान प्रदान करेंगे तो हमें कुछ सिमिलैरिटी भी दिखेंगे, तो सुमेरियन में मिली, इजिप्ट में मिली है। उसके अलावा चाइना में की इसलिए मिली है क्योंकि चाइना, देखो हमारे इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान से, जो अपना जम्मू कश्मीर के एरिया से पाकिस्तान और अपने राजस्थान गुजरात में होती हुई जाती है, तो जस्ट उसके बगल में चाइना ज्यादा दूर नहीं है, तो उस समय की वहां के जो सिविलाइजेशन होगी चाइना की, उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा ही ना। जैसे हमारे पड़ोसी रहते हैं, पड़ोसियों के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी हमें भी रहती है ना, वैसे
इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले के लोगों को भी जानकारी होगी चाइना की, क्योंकि वो पास में सिविलाइजेशन फेल फूल रही थी। तो द डेवलपमेंट एंड फीचर्स ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, सुमेरू, इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ विलेजेस टू द फॉर्मेशन ऑफ सिविलाइजेशन। These civilizations appear to have developed in response to their environment and in reaction to their human need for survival and security. तो कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि सभी लोग उस समय के सभी लोग ज्यादातर एनवायरमेंट के प्रति भी जागरूक थे, क्योंकि उस समय देखो मूर्ति पूजा ये सब कुछ चलता नहीं था। ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जब वैदिक काल आया, इसके बाद हुआ है। इसके बाद हम वैदिक काल पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक काल इसके बाद आया है, लगभग 1500 BC के आसपास। सो हमारा इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ थ्री। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। तो ये कैसा लगा, इसे लाइक सब्सक्राइब का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हम इतनी मेहनत ला रहे हैं, थोड़ी बहुत तो देखो गड़बड़ी होगी, धीरे धीरे करके चैनल सुधार आएगा। आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो अपने आप इसमें काफी सारे सुधार आएगा। काफी सारे कोर्स हम लेकर आएंगे, मतलब हर चीज से, हर फील्ड से रिलेटेड काफी सारे कोर्स लेने जाएंगे। तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सो हम इतनी मेहनत करें इतना तो आपको बनता ही। कितना सा टाइम जाता है सब्सक्राइब करने में? कुछ नहीं, और आपके थोड़े से टाइम में हमारा काफी सारी हेल्प हो जाती है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाबा टाटा, सी यू सून।